बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप। मैं हूँ मारिया अंसारी, आपके अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पुलाव। आलू का पुलाव कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, आज हम ये वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पतीली में हमने सबसे पहले डाला है कुकिंग ऑयल। आलू का पुलाव पंजाब की बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो इसके साथ हमने इसमें डाल दिए हैं 3 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज। अब हमने क्या करना है, अब हम प्याज को करेंगे अच्छे तरीके से गोल्डन। ये 5 से 6 मिनट के अंदर आपके जो प्याज हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे। तो हमने इसको ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके जो प्याज हैं वो 5 मिनट के बाद कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें ये हैं बड़े साइज़ के 4 टमाटर और अदरक बारीक कटा हुआ, ये हमने डालना है और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये 1 चम्मच भर के हमने डाला है इसमें नमक का, क्योंकि हमारे पास जो राइस हैं वो हैं 2 किलो, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल हैं और 1 किलो हमारे पास आलू हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है आलू का पुलाव। और ये इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, जिसके अंदर हैं ये 4 बड़े वाली काली इलायचियाँ, बड़ी इलायची जो होती है ये हमने इसमें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे 10 अदद लौंग, ये देखें ये लौंग हैं, ये इसमें डाल दिए 10 हैं। और ये कुछ इसके साथ हैं काली मिर्च साबुत। तो काली मिर्च का हम इसमें पाउडर नहीं यूज़ करेंगे, काली मिर्च को साबुत इसमें डालेंगे। तो इस तरह से इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और अब हमने इसमें डाल दिए हैं आलू, जो कि 1 किलो हैं, और आलूओं को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, आलूओं को इतना आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि ये तकरीबन हाफ इसमें ये गल जाएं। ये देखें, ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो आलू हमारे हैं वो गल चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ ये देखें, ये है हमारे पास 2 से 2.5 चम्मच ज़ीरा, ये खाने का चम्मच इसमें डाला है हमने 2 से 2.5 चम्मच ज़ीरा। ये भी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें साबुत लिया है, ज़ीरा पाउडर नहीं यूज़ किया। पुलाव के अंदर हमेशा जो है वो साबुत जो खड़ा मसाला होता है वो अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, और जितना भी गर्म मसाला है उसकी सारी जो खुशबू है वो बाहर निकल आएगी। तो इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी आपने इतना ऐड करना है जिसके अंदर के आपके जो 2 किलो चावल हैं वो पक सकें। तो ये पानी हमने डाल दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर लगाएंगे ढक्कन। तो फ्रेंड्स, अब हम ढक्कन लगाने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, जब तक पानी में बॉयल आता है। और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें अपने राइस डाल देंगे। वही बहुत बहुत गर्म है चम्मच, और ढक्कन भी ये तौबा बहुत गर्म है। तो ये देख सकते हैं आप, बड़े अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा के ऊपर स्टीम आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कलर डार्क नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अब हम इसमें डालेंगे ये गोल वाली लाल मिर्चें, ये बहुत अच्छी लुक देती हैं, बहुत अच्छा जायका होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है पुलाव में और बिरयानी में, ये आप लाजमी डाला करें। ये देखें, ये अब लाइट हो गई है, ठीक कैमरे के सामने वो स्टीम थी, इस वजह से वो थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा था। तो ये जब पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आए, तब इसमें आपने ये वाली गोल वाली लाल मिर्चें डाल देनी है। अब हम इसमें डालेंगे ये चावल, जो कि हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके 1 घंटा पहले इनको भिगो के रख दिया था, 1 घंटा काफ़ी होता है। तो ये हमने इसमें चावल डाल दिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी डिश है ये,
पंजाब के लोग, पंजाबी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। लाहौर की बहुत ही ये मशहूर और फेमस डिश है, ये हर घर में बनते हैं और स्पेशल सर्दियों में। तो अब हम 10 मिनट के लिए वेट करेंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और ये ढक्कन हो गया। वाओ माशाल्लाह, देखिए ज़रा फ्रेंड्स कितनी अच्छी इसमें बॉइलिंग हो रही है, आप ये देख सकते हैं। और आप चेक करें ज़रा आलूओं का कितना प्यारा कलर है, और इसमें जो गोल वाली लाल मिर्चें हैं वो कितनी अच्छी लुक दे रही हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 10 अदद मेरे पास हैं हरी कटी हुई मिर्चें, ये हमने डाल दी हैं। हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत ही प्यारा इसका ज़ायका। तो थोड़ा सा इसका हम नमक चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल ओके, नमक बिल्कुल ठीक है, हमें नमक और डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें ढक्कन नहीं लगाना, अब हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस, सारे मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और पानी को हमने करना है ड्राई, और इतना भी ड्राई नहीं करना कि बिल्कुल चावल जो है वो खुश्क हो जाएं, क्योंकि ये पुलाव है और आलू भी अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो चावल भी अभी चूँकि थोड़े से कच्चे हैं, तो अभी हमने इनको लगाना है दम, और थोड़ा सा पानी इसमें रहना चाहिए जिससे स्टीम बन सके और दम आ सके। इससे ज़्यादा आसान आलू की रेसिपी नहीं हो सकती। आलू पुलाव बहुत ही इजी तरीके में मैं बना रही हूँ आप सबके लिए, ताकि आप इसको देख सकें और ऐसे ही आप बना सकें, और फिर आप देखिएगा इसकी लुक कितनी अच्छी होगी, इसका ज़ायका कितना अच्छा होगा। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है फ्रेंड्स इसमें से, बहुत मज़े की खुशबू। तो अब हमने ढक्कन निकाल दिया, चम्मच निकाल दिया, तो अब हम ढक्कन लगा के इसको दम देंगे 10 मिनट के लिए। और अब हमने क्या करना है, अब हम पतीली को हटाएंगे और चूल्हे के ऊपर हम रखेंगे तवा, तवे पे हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें इस तरह से उतार दी नीचे। और ये तवा हमने इसके ऊपर रख दिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे दम लगाएंगे, और दम लगाने के बाद हमारे जो राइस हैं, जो हमारा आलू पुलाव है, वो बनके तैयार हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे कि पुलाव की क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से दम आ चुका है। जो हमारे राइस हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, और एक एक दाना ये आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग है। ये देखें ज़रा, बहुत ही अच्छा आलू का पुलाव बनके तैयार है, बहुत ही प्यारी लुक है इसकी, ये आप देखें। और इतनी मज़े की खुशबू, इतने मज़े की खुशबू कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, और फ्रेंड्स जब भी आपने दम खोलना है तो इस तरह से आपने राइस को हमेशा अच्छे तरीके से पहले आपने इसको हिला लेना है इस तरह से, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है। ऊपर से नीचे तक आपने राइस को अच्छे तरीके से हिलाना है और फिर इसको डिश आउट करना है, ये देखें आप इस तरह से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो राइस हैं वो जम जाएंगे, बिल्कुल बर्फ़ी बन जाएंगे। तो ये हमारे पास सर्विंग डिश है, अब हम इसमें अपने पुलाव को निकालेंगे। इतनी प्यारी लुक है माशाल्लाह, इतनी प्यारी लुक है कि आपको मैं क्या बताऊं, बहुत प्यारी लुक है माशाल्लाह। बहुत गर्म हो गया है डिश, बहुत नीचे से डिश गर्म हो गई है, मेरे हाथ जल रहे हैं नीचे से। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने गर्म है राइस, और जो डिश है वो नीचे से बिल्कुल गर्म हो चुकी है, जो कि मेरे हाथ के ऊपर है, ये देखें ज़रा आप। ओह माय गॉड, इतनी इसकी क्या बताऊँ आपको, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये जब आप बनाएंगे, जब आप अपने घर पे तैयार करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी
मज़ेदार डिश है और कितनी प्यारी इसकी खुशबू है। तो इस तरह से हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका आलू पुलाव बनके तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, दिखने में भी अच्छा और खाने में भी मज़ेदार। ये देखिए आप, ये मेरी स्पेशल डिश थी आप लोगों के लिए, ये मेरी स्पेशल रेसिपी थी। आज है संडे और आज है संडे की स्पेशल डिश। ये आप चेक करें, ज़रा चेक करें और मुझे ख़ुद बताएं आप कि इसकी लुक कितनी अच्छी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लुक, स्पेशल आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए मेरी ये डिश, मेरी ये रेसिपी। अगर मेरी ये डिश पसंद आए, मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, इस वीडियो पे लाइक तो बनता है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।